क्या कर रही हो? बैग लग गए थे, क्लीन कर रही थी। बस यही रह गया था। अरे हाँ, इस पे जल्दी दाग गिर जाते हैं। ये वाला कलर ही वैसा है बट छूट भी जल्दी जाते हैं ना, लस्टर है ना, लस्टर है, इसी वजह से छूट भी जल्दी जाते हैं। बट मुझे यही चाहिए था कलर, इसी वजह से मैंने ये पूरे घर में लगवाया है। लटसर लट लस्टर, मैं भी भूल गई मैं भी भूल गई अभी नाम लस्टर। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांजन। सो गाइस, अभी किचन में किस लिए आई थी मैं भूल गई, यहाँ पर आई थी, हाँ यहाँ पर आई थी मैं इडली बनाने के लिए। एक्चुअली यहाँ पर इडली का बैटर बना के कल ही रख गया था, कल रात को पीस लिया था। अगर आपने मराठी ब्लॉग देखा है तो उसमें देखा होगा आपने, अगर नहीं देखा है तो जो भी मराठी है वो मराठी ब्लॉग चेक कर सकते हैं। तो वो उस ब्लॉग में मैंने दिखाया है कि पीस लिया था मैंने उसमें। और ये आज सुबह बनाना था, एक्चुअली ब्रेकफास्ट में बनाना था बट ब्रेकफास्ट हुआ ही नहीं, बहुत लेट उठे तो फिर खाना ही हुआ डायरेक्ट। हाँ, बहुत लेट उठे इसी वजह से खाना ही हुआ डायरेक्ट। फिर ना ये वैसा वैसा ही रहा, तो मैंने सोचा चलो रात को बना लेती हूँ। तो अभी इडली और सांभर बनाने वाली हूँ बट मैं ये भूल गई कि उनको मुझे कद्दू बताना था। कद्दू नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, लौकी, सॉरी कद्दू बोल रही थी, हाँ लौकी बताना था लाने के लिए। बट सुबह वो भी बताना भूल गई, सुबह वो सुबह जाते हैं जल्दी से, कुछ ना कुछ जो भी चाहिए होता है वो लेके आता है, बट वो भी बताना भूल गई मैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं है बट फिर भी सांभर तो बनाना ही है, जो भी फ्रिज में होगा अभी वो डालूंगी, सांभर बनाऊंगी और उसके बाद इडली के साथ खाएंगे हम लोग। जिनको डोसा पसंद है उनके लिए डोसा बना दूंगी, माही को डोसा पसंद है तो माही के लिए डोसा ही बनाना पड़ेगा। और काफ़ी दिनों के बाद चोटी बनाई है मेस्सी से ऐसे, तो बताना ज़रूर कमेंट करके कि कैसी लग रही है। और ना मुझे ऐसे पता नहीं, एकदम से आज ना बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट किया ना मैंने, तो इसी वजह से माही भी बोल रही थी कि ऐसे लॉकडाउन जैसी फीलिंग आ रही है। मतलब एकदम मुझे ऐसा लॉकडाउन जैसा ही लग रहा है कि लॉकडाउन जैसे पिछली बार का लॉकडाउन था ना, उस टाइम मैं थोड़ा सा लेट ब्लॉग स्टार्ट करती थी और ऐसे ही आपको कुछ अलग अलग डिशेस बना के दिखाती थी। बट इस बार तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है पॉसिबल, क्योंकि काम काम चल रहा है ना यार, इसी वजह से दोपहर में ना बिल्कुल ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, इतना आवाज और इसकी वजह से मेरा भी सिर दर्द होने लगता है, फिर रात होते होते ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी वजह से मैं रात को, एकदम रात को शूट करती हूँ फिर, और वो भी रिव्यू वीडियो वगैरह शूट करती हूँ, तो क्या कर सकती हूँ, कुछ थोड़ा सा करना तो पड़ेगा ही। एक मिनट अद्विका, आप भी बोलते रहते हो फिर अगर व्लॉग नहीं डाला तो, कि दी हम लोग मिस कर रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ आप लोगों को। अगर मेरा वीडियो अपलोड नहीं होता है, आपके कमेंट नहीं आते हैं, आपके लाइक्स नहीं आते, मुझे भी अजीब सा लगता है, एकदम खाली खाली सा लगता है, तो इसी वजह से वो करना ही पड़ता है मुझे। और चलिए फिर ये देखो माही क्या कर रही है यार, इतना सा दाग गिरा था वो पोछा, उसके बाद देखो क्या कर रही है, दिखाती हूँ मैं आपको। देखो इससे भी मेरे जैसा और उसके पापा जैसा कीड़ा है सफाई का, बहुत ज़्यादा, मतलब उसको भी सफाई पसंद है, थोड़ा सा भी उसको गंदगी दिख जाती है ना तो वो ऐसे क्लीन करने लग जाती है। और यहाँ पर फ्रिज बिल्कुल गंदा नहीं था, फिर भी उसको थोड़ा सा दाग दिख गया होगा, तो पूरा फ्रिज उसको नहला दे रही है फ्रिज को। क्या करे माही आपका। चलो बस छोड़ो, वो कपड़ा मार दे उसे और बस अभी देखती हूँ यार, फ्रिज खोल के देखना पड़ेगा क्या क्या है फ्रिज के अंदर। और हाँ बैटर दिखाती हूँ आपको कितना फूला है, तो ज़्यादा नहीं फूला लग रहा है मुझे, पता नहीं यार, अंदर से देखना पड़ेगा कैसा है। और इडली कैसे बनेगी वो भी अभी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना वो डालना भूल गई अभी, क्या बोलते हैं, मेथी दाना डालना भूल गई थी इसमें, तो इसी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा नहीं फूला है, बट देखते हैं ट्राई करके इडली कैसी बनती है। हे गाइस, आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे और यूजफुल प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, और वो है बच्चों के लिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ का प्लांट बेस्ड लॉन्ड्री डिटर्जेंट फॉर बेबीज। ये बेस्ट डिटर्जेंट है आपके बच्चों के कपड़ों के लिए, और ये बेस्ट क्यों है ये भी आपको बता दूँ, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं है, जैसे कि SLS, SLES, फॉस्फेट, ब्लीच, फोम बूस्टर एंड ऑप्टिकल ब्राइटनर, इस तरह के कोई भी केमिकल इसमें ऐड नहीं है, और इसे आप 0+ मंथ बच्चों के कपड़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे इसे यूज़ कैसे करना है वो आपको बता देती हूँ। तो थोड़ा सा बाल्टी में आपको गुनगुना पानी लेना है और उसमें ऐड करना है आपको ये मामा अर्थ का लॉन्ड्री डिटर्जेंट। इतना ध्यान रखिए कि छोटे बच्चों के कपड़े आपको सेपरेट ही भिगोने के लिए डालने हैं, बड़ों के कपड़ों के साथ कभी उनको भिगोने के लिए ना डालें।
बस थोड़ा सा गुनगुने पानी में आपको ये मामाअर्थ का लॉन्ड्री डिटर्जेंट ऐड करना है और उसके बाद आपको उसे अच्छे से घोल लेना है ताकि उसमें झाग आ जाए, और उसके बाद आपको आपके बच्चों के कपड़े उसमें ऐड करने हैं। वैसे आपको बता दूं कि मामाअर्थ जो ब्रांड है वो इंडियन ब्रांड है, और आजकल की सिचुएशन ऐसी है कि हमें इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए और इंडियन प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने चाहिए, वोकल फॉर लोकल। और हाँ, इसी तरह से आपको कपड़े भिगो के रखने हैं, थोड़ी देर के बाद इसे वॉश करना है। इस लॉन्ड्री डिटर्जेंट से आपके बच्चों के कपड़े अच्छे तो निकलते ही है और जम फ्री रहते हैं। इससे क्या होता है कि आपके बच्चों के बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसीलिए मैं अपने बच्चों के कपड़ों के लिए यूज़ करती हूँ ये मामाअर्थ का प्लांट बेस्ड लॉन्ड्री डिटर्जेंट फॉर बेबीज। और हाँ, ये 10+ लोड के लिए भी अच्छा है, और इसमें आपको क्वांटिटी मिलती है 200 ml। 200 ml क्वांटिटी के लिए इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, 199 rupees आपको इसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। और उसमें भी आप अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो कंचन 2021 तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी मिल जाएगा मामाअर्थ वेबसाइट पर इस प्रोडक्ट पर। और हाँ, ये जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है मामाअर्थ की वेबसाइट पर, अमेजोन पे एंड फर्स्ट क्राई पे, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हो। और अगर आप इसे मामाअर्थ की वेबसाइट से परचेस करते हो तो मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलेगा कंचन 2021, इससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा इस प्रोडक्ट पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। तो इसके काम मतलब ज़्यादा के काम कर रही है ये अभी, मतलब दुगना काम होना चाहिए इसकी वजह से। अभी कपड़ा लेती और पोछ लेती जल्दी से तो हो जाता ना, देखो चमकता इससे, देखो कहाँ हैक्स देखती रहती है, कहाँ के हैक्स देखे आपने ये 5 मिनट क्राफ्ट देखती रहती है वो, 5 मिनट क्राफ्ट नहीं, हाँ 5 मिनट क्राफ्ट के हैक्स देखती रहती है और कुछ ना कुछ सीखती रहती है। अच्छे भी है वो, मतलब सीखने के लिए मैं मना नहीं करती उसको देखने के लिए, हाँ अलग से डम रहता है वो, हाँ वही तो, मतलब लेकिन कुछ कुछ है लाइफ सेविंग हैक्स रहता है उनके, कुछ कुछ अच्छे लगते हैं, ये मुझे भी अच्छा लगता है बट मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है तो ये देखती है, कभी कभी देख लेती हूँ मैं अभी। हाँ बराबर है, मुझे इसके अंदर देखने दो क्या क्या है, और आपके चक्कर में ना आपके चक्कर में मैं भूल जाऊंगी बनाना, एक मिनट। अरे यार क्या क्या है देखती हूँ, गोभी है, ये पालक और बैगन, अभी बैगन डाल देती हूँ, थोड़ा सा गोभी डाल देती हूँ उसी में, थोड़ा सा कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। ये है गोभी, बैगन थोड़ा सा काट लेती हूँ इसमें से, और क्या क्या, थोड़ी सी हरी मिर्च, 2-3 हरी मिर्च ले लेती हूँ। और इसमें क्या है, इसमें कैरी है लगता, अरे हाँ ये कैरी है। एक्चुअली वो जो कैरी है ना वो हमारे यहाँ पे पेंटर थे, तो गांव के पेंटर थे, आप लोगों को पता ही होगा, वो कैरी उन्होंने लाके दी थी इन्हें। एक्चुअली उनके घर में पेड़ है या उनके खेत में पेड़ है वो तो मुझे नहीं पता, बट बहुत सारी कैरी दी थी इन्हें और ये लेके आए थे, बहुत टेस्टी कैरी थी, मतलब ज़्यादा खट्टी नहीं थी, बहुत अच्छी थी। अभी बनाती हूँ जल्दी से सांभर, और इसमें आलू डालती हूँ सिर्फ, गोभी बैगन और मिर्च और आलू और थोड़ा सा टमाटर, ये सब कुछ डाल के जल्दी से मैं सांभर बना लेती हूँ, उसके बाद इडली बनाती हूँ। वैसे माही चमका दिया यार फ्रिज, देखो माही ने फ्रिज तो चमका दिया, वैसे बहुत चमक रहा है अभी, अभी ऐसे ही किया करो। अरे
सब कुछ हो गया है, बस अभी सांभर को तड़का देना है। तो उसके लिए मैंने इमली भी एक्चुअली भिगो के नहीं रखी थी, इसी वजह से याद नहीं रहा था मुझे। तो मैंने क्या किया, उसको बॉईल ही कर लिया, तो जल्दी भीग जाती है, थोड़ा सा गर्म पानी में डालो तो थोड़ा सा बॉईल कर लिया उसका। वो क्या बोलते हैं, खटाई बना लूँगी, खटाई मीन्स वही इमली का पानी। और मैंने यहाँ पर तेल चढ़ा दिया है सांभर को तड़का देने के लिए। उसके बाद मैंने थोड़ी सी दो चार मिर्च डाल दी है उसमें, लाल मिर्च। और उसके बाद ना सांबर के लिए मसाला ढूंढ रही थी, तो मसाला मिला ही नहीं यार मुझे, मतलब सांबर मसाला ही नहीं था घर। तो मैंने वो गैस ऑफ कर दिया और उसके बाद मैं दूसरे काम में लग गई। एक्चुअली उसी टाइम ये आ गए थे, तो मैंने उनको बोला कि मुझे प्लीज़ पास की दुकान से सांबर मसाला ला के दो, मैं सांबर बनाने गई थी और मुझे सांबर मसाला ही नहीं दिखा घर पे। और मैं वैसे आप लोगों को पता ही है एवरेस्ट का सांबर मसाला यूज़ करती हूँ, बट उस टाइम नहीं था एवरेस्ट का सांबर मसाला, तो इनको दूसरा सांबर मसाला लाना पड़ा। और फिर मैंने काम चला लिया, उससे भी बहुत अच्छा बना था वैसे। और यहाँ पर फिर तब तक क्या करूँ, तो मैं इडली निकाल रही थी, मैंने सोचा जब तक ये नहीं आते हैं तब तक मेरी कम से कम इडली तो बन जाएगी। तो यहाँ पर ये लेके आ गए थे, छोटे छोटे पैकेट लाए थे, और वो जो मसाला नहीं था ना मेरा एवरेस्ट वाला, तो इसी वजह से ये छोटे छोटे पैकेट लेके आए थे। और फिर मैंने इसी का सांभर बनाया, और यहाँ पर मैंने घोल कर लिया है, मतलब सांभर का घोल बना लिया है। और जो जो डाला है वो तो आपने देख ही लिया है, दाल में सब कुछ चीज़ें डाल दी थी मैंने, जो भी सब्जियाँ थी तो वो सब कुछ दाल में डाल दी थी और उसे बॉईल कर लिया था। और बस यहाँ पर तड़के के लिए मैंने राई और मिर्ची डाल दी है और उसका तड़का दूंगी। और उसके बाद उसमें जो सांबर मसाला का पैकेट इन्होंने लाया था वो पूरा पैकेट ऐड कर दूंगी। वैसे भी मैं 2 बड़े चम्मच ऐड करती हूँ, तो ये छोटा पैकेट ही था, तो मैंने ये पूरा छोटा पैकेट ऐड कर दिया। और यहाँ पर मसाला भून लिया, और बस वो जो है सारी चीज़ें जो हमने सांबर के लिए घोल बनाया था वो डाल दिया इसमें। और बस इसमें डाल दूंगी इमली का पानी जो मैंने साइड में बॉईल करके रखा था, इमली का पानी ऐड करूंगी और थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। तो इमली का पानी थोड़ा सा छान लूंगी, और बस इसमें थोड़ा सा गुड़ भी ऐड करना है, मतलब थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट आने के लिए। तो बस थोड़ी देर के बाद गुड़ ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड करके बॉईल कर लूंगी। तो बस बॉईल करने के बाद बन जाएगा हमारा सांभर, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था सांभर सच में। आप अगर इस तरह से सांबर नहीं बनाते हो ना, तो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करके देखना, आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। चलो इसे बॉयल आ रहा है, और ये भी इडली यहाँ पर बन रही है, मतलब अभी जो बैटर है वो दिखाती हूँ आपको कितना बचा है। तो इतना बैटर बचा है, मतलब इसकी पूरी इडली बनेगी एक्चुअली। इतनी इडली अब बहुत कम है हमारे फैमिली के लिए, आज खाना नहीं बनने वाला है, सिर्फ इडली या सांभर ही खाने वाले हैं हम लोग। खाना नहीं होगा आज, डिनर में यही होगा, तो इसी वजह से। और यहाँ पर शायद ये भी बन गई है, हाँ ये भी देखो कितनी फूल गई है, बहुत ज़्यादा फूल गई है और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा हुई है। मतलब मुझे लगा था कि वो जो मैंने दाने नहीं डाले, मेथी दाने ना डालने की वजह से फूलेंगी नहीं, बट अच्छे से फूल गया। चलो अभी हम लोग खा लेते हैं और टेस्ट बताते हैं आपको कि कैसे बनी है। ये एक प्लेट रेडी हो गई है, मैं इनको टेस्ट करने के लिए बोलती हूँ सिर्फ, हम देखते हैं कि कैसे बनी है, क्योंकि अभी तक मैंने भी टेस्ट नहीं की है, तो मैं इन्हें बोलती हूँ टेस्ट करने के लिए और देखते हैं इनका रिएक्शन। खाऊन सांगा मला, खाऊन सांगा बताओ। खाने भी नहीं दे रही हो आदमी, खा के बताओ ना। बहुत बढ़िया बना एकदम, और ये स्पंच स्पंच हो गई। अच्छा, और वो रटा हुआ तो नहीं है डायलॉग? नहीं रटा हुआ नहीं है। आदमी आदमी का आप खा के देखो, आप बताना मेरा मम्मा, और आजी को भी दो, आजी को खाने के लिए, आजी को दो। बहुत अच्छा, अरे आपको पसंद आएगा, बहुत हो गया। आजी को दो चम्मच, लेके आओ भाई आजी के लिए। खा, खाऊन तर बघा, खाऊन तर बघा, खाऊन बघा ना, चावते ना। करत चांगली बनली का? चला चला आता सर्वांसाठी आणते, पाहा गरम असेल, गरम असेल तुझो 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 जेवा तुम्ही, आम्ही आणतो आता आमच्यासाठी।
मैं चम्मच लेके आओ बोलो मम्मी ठीक है आगे ले ऑलरेडी निकलना खोल 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 दो खोल दो मजे से इसे घुमा के लो उसको बस कर बाड़ा ला खोल दो बाड़ा लेके लो मेरे चलिए खाना तो हो गया है देखो कितना ज़्यादा ऑयली फेस हो गया। एक्चुअली मैं किचन में रहती हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाता है मेरा फेस, क्या करूँ यार समझ में नहीं आता। तो चलिए फिर अभी सोने का टाइम हो गया है। मेरी पता नहीं यानी आँखें क्यों इतनी जलती है यही समझ में नहीं आता। कुछ आपके पास कोई सोल्यूशन हो इसके लिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत ज़्यादा आँखें जलती है मेरी यार। वैसे भी मुझे ना समर स्टार्ट हो जाता है तो पता नहीं ऐसे ही प्रॉब्लम होने लगते हैं, आँखों में जलन होना या पैर जलने लगना, ये सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो कोई आपके पास सोल्यूशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और हाँ, कैसा लगा आपको ये ब्लॉग ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। और ज़रूर चेक कर लेना इंस्टा पे, मैंने जो फोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड किए हैं वहाँ पे वो आपको पक्का पसंद आएंगे, तो एक बार वहाँ पर भी चेक कर लेना, वहाँ पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।